गाइस आज मैं क्राफ्ट बनाने जा रही थी, तो मेरे पास केवल सीढ़ी थी, रिबन था, फेविकोल था और आइसक्रीम के स्टिक्स थी। तो मैंने वो फ्लावर वाला रिक्शा बनाने को सोचा, बट उसमें तो फूल की ज़रूरत होती है, बट मेरे पास फूल नहीं था तो मैंने रिबन का ही यूज़ किया। मैंने रिबन से सीढ़ी को पूरा कवर कर दिया अच्छे से। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा ही फूल था, तो मैंने फूल को एक चोटी की तरह लंबा कूट लिया है और अब इस चोटी का यूज़ मैं सीढ़ी की एजेस को कवर करने में यूज़ करूँगी। इस तरीके से मैंने इसके एजेस को पूरा कवर कर दिया है और इस तरीके से मैंने तीन सीढ़ी को प्रिपेयर किया है। उसके बाद आइसक्रीम स्टिक को पेस्ट करके उसे भी रिबन से पूरा कवर कर दिया और इस तरीके से मैंने सिक्स स्टिक्स प्रिपेयर की हैं। तीन सीढ़ी यानी तीन व्हील से ये रिक्शे के इस तरीके से 6 स्टिक्स बनाई हैं और ये न्यूज़पेपर का यूज़ करके मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करूँगी। ये पेपर स्टिक्स बनाया है क्योंकि ये बास्केट का साइज़ बहुत छोटा था, तो मैंने न्यूज़पेपर के स्टिक्स को एक मैट की तरह ज्वाइन करके और मैंने इस तरीके से इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया है। अब मैं वाटर कलर से वाइट कलर से इसको पूरा कवर कर दूँगी और दोनों व्हील को मैंने आइसक्रीम की स्टिक्स जो बनाई थी ज्वाइन करके उसी से मैंने इन दोनों व्हील्स को जोड़ दिया है और ये आगे का व्हील है इसको भी मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँगी और ये ऊपर हैंडल मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये बास्केट को पूरा रिबन से कवर कर दूँगी और इसके ऊपर मैं थर्माकोल के बॉल्स का यूज़ करूँगी जिससे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। और ये हैंडमेड फ्लावर्स हैं जैसे मैंने खुद बनाए हैं और इसका लिंक मैंने इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हो।